संदेश हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट अपोलो सिकंदराबाद, आपके सामने उस एक डिजीज़ के बारे में बात करने के लिए आज आया हूँ जिसके सुनते हम लोग को कभी कभी अजीब लगता है क्योंकि उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी अजीब है और कभी कभी उसका प्रेजेंटेशन भी अजीब व गरीब तरीके से होता है। आपने एक बहुत लंबी फ्लाइट से आप अपने देश में उतरे हैं और उतरते ही आपको लगा आपके पैरों में दर्द हो रहा है। आप 16-17 घंटे की फ़्लाइट से उतरे और पैरों में दर्द हुआ तो फिर फाइनली आप डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर आपको बताता है कि आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, उसके लिए कुछ इंजेक्शन या तो टैबलेट चलेंगे और हो सकता है ये टैबलेट कुछ महीनों तक चलें और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। आपके और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ। कारण सिर्फ इतना था कि फ़्लाइट में 17-18 घंटे तक हम बैठे रहे और हमने उसके लिए कोई प्रिवेंशन नहीं लिया। ऐसी कुछ एक कंडीशंस ही हैं जो आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस दे सकती हैं और इस डीप वेन थ्रोम्बोसिस को आज हम डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि 13 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे मनाया जा रहा है। उस वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे को मनाने के लिए, इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं हैदराबाद के जाने माने वास्कुलर सर्जन डॉक्टर पिंजाला रामकृष्णा। डॉक्टर पिंजाला रामकृष्णा सर मेडिकल ग्रेजुएट हैं गुंटूर से, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और उसके बाद एफआरसीएस किया है यूके से। यूके से एफआरसीएस करने के बाद निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उन्होंने काम किया और वहाँ से रिटायर होने के बाद इस समय अपोलो जुबली हिल्स हैदराबाद में काम कर रहे हैं। इस फील्ड में सर का 30 साल का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को आज हम आपके सामने बांटने के लिए उनको यहाँ पे आमंत्रित करके उनको बुलाया हुआ है। वेलकम सर। थैंक यू। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बड़ा मेडिकल स्ट्रॉन्ग टर्म है एंड मैं जानना चाहूँगा कि क्या चीज़ है जो कि जिसे हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वेन्स जो है कई तरीका के हैं। ओके। एक तो है सरफेस के ऊपर, सुपरफिशियल बोलते जाते हैं, जो अंदर है अंतर्भाग में है उसको बोलते हैं डीप वेन्स बोलते हैं। ओके। शरीर के और भी भीतर है, अंदर है, उसको बोलते हैं सेंट्रल वेन्स बोलते हैं। ओके। सो इसका मतलब है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नसें रहते हैं। एक सुपरफिशियल है, एक डीप है, एक सेंट्रल वेन्स है। ये वेन्स में फ्लोस वेवी पैटर्न में रहता है। अच्छा। समुद्र के लहरें की तरह आते जाते रहता है। सो इसमें वाल्व्स भी रहते हैं, नसों के अंदर वाल्व्स रहते हैं, वेर एज आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं रहता। ये सिर या वेन्स के अंदर बाइकस्पिड वाल्व्स बोलते हैं, दो तरफ के कर्टेंस रहता है उसके अंदर, वो खुलते एक तरफ ही फ्लो बनना रहे। इसीलिए वो वाल्व्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके। सो किसी किसी कंडीशंस में ये वाल्व्स खराब हो जाते हैं, ये वेन्स के अंदर जो लेयर है वो भी खराब हो जाता है, लालपन हो जाता है, टेयर हो जाता है और जल जाता है। सो उस मामले में खून का दौरा जाने में मुश्किल हो जाता है और उससे वो क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बन जाता है। एक आर्टरी एक ऐसी चीज है जो कि ब्लड को आपके दिल से पेरिफेरी तक एक्सट्रीमिटी तक लेकर के जाती है, जो कि हार्ट का पंपिंग से होता है। यस। लेकिन जो पेरिफेरी से दूर से ब्लड वापस आता है वो वेन्स के जरिए होता है और ये जो वेन्स हैं वो सुपरफिशियल हैं और जो बाहरी सतह पे होती हैं, जो कि जैसे ये हाथ पे दिखाई दे रही है, सुपरफिशियल वेन्स हैं, और जो अंदर रहती है उसे हम लोग डीप वेन बोलते हैं। और जब उसके अंदर कभी खून का जमाव हो जाता है तो उसे हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। कोई भी खून के जमाव को थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और ये जब जो खून का कतरा है या क्लॉट है ये अगर टूट करके चला जाए दूर तो उसको हम लोग वो एम्बोलिज्म बोलते हैं, एम्बोलिक फिनोमिनन बोलते हैं। तो इसका कारण क्या क्या है? कारण तो बहुत कुछ है। बेसिकली ये जो रोडाल्फ फिरको, जिसके नाम से अक्टूबर 13 वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस मनाया जा रहा है, उन्होंने 3 वजह बोल दिया है। ओके। एक है एंडोथेलियम डैमेज, खराबी होने से। एंडोथेलियम मतलब जो ये अंदर लेयर, जो अंदर की लेयर है वेन्स की, उसमें कुछ खराबी आ जाती है। ठीक है। एक दूसरा है इंजरी हो जाता है।
तीसरा है हाइपर कोएगुलेबिलिटी. ओके, ऑलरेडी जो आपका जो खून है वो ज्यादा गाढ़ा बन जाता तब होता है. नॉर्मली 16 सेकंड्स में आपको जम जाने के चांस रहता है खून का, क्लॉटिंग टाइम किसी किसी में 11 12 13 जल्दी 2-3 सेकंड्स जल्दी भी हो सकता है. ओके, और स्टेसिस है तीसरा, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेसिस. आदमी जैसे बैठा है, लेटा है, क्राउचिंग किया है, उसकी वजह से कंप्रेशन पड़ गए, उस समय खून स्टेसिस हो जाता है. स्टेसिस मतलब सर खून का जमाव बना हुआ है, उसमें फ्लो उसका नहीं रहता. एंड इसी को हम लोग इकोनॉमिक क्लास सिंड्रोम बोलते हैं. इकोनॉमिक क्लास सिंड्रोम ये है, जब आदमी फ्लाइट के अंदर बैठता है, नैरो सीट्स के ऊपर बैठता है, हिलता नहीं है बिल्कुल, ऐसे लोगों में क्या है, पेट की वजह से, एंगुलेशन की वजह से, जैसे पैर को पेट को बीच में जगह कम होने की वजह से दबाव होता है. सो नस दब जाता है कुछ मिनटों के लिए. सो जब दब गया है खून वहाँ रह जाता है, आगे पीछे नहीं जाता है. जब आगे पीछे नहीं जाता है वो क्लॉट हो जाता है. तो अगर जैसे कोई अभी जो हमारे कोई व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनको क्या करते रहना चाहिए जिससे कि ये चीज़ ना हो? बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा तुमने, हिलाते रहना, एंकल जॉइंट को आगे पीछे करना. ओके, सो जैसा फ्लाइट में आपको बताते हैं, फ्लाइट में बैठ के भी आदमी को हाथ पैर की मूवमेंट्स करते रहना चाहिए, एटलीस्ट पैरों की करते रहना चाहिए, पैरों करते रहना और लंबे लंबे सांस लेते रहना. अच्छा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग शुड बी एनकरेज्ड. बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा लिए तो लोग घबरा जाएंगे. बट कुछ भी एक थोड़ा सा बॉडी में आपको मूवमेंट चलन बनाए रखते रहना चाहिए, जिससे कि एक जो खून है उसकी गति बनी रहे. डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आप अगर लंबी जर्नी में हैं, फ्लाइट है 10-15 घंटे की है, तो 1-2 घंटे में थोड़ा सा टहलना बहुत ज़रूरी है आपको फ्लाइट के अंदर. अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको पैरों को हल्का सा आप घुटने के पास, नहीं तो एंकल जॉइंट के पास चलाते रहिए, और लंबी सांस लेकर के उसको लंबा छोड़ना आपकी लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है. और जब ये नहीं करते तो चांस होता है कि आप में खून का थक्का जम जाए और एम्बोलाइजेशन हो जाए, जिसमें कि स्मॉल क्लॉट जो है वो लंग्स तक जाते हैं, हार्ट तक जाते हैं. और जब हार्ट में जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा है, ये साइजेस के मुताबिक है. अच्छा, जो टुकड़ा बहुत बड़ा साइज की है, बड़ा टुकड़ा गया तो वो एकदम राइट हार्ट में जाती है. राइट हार्ट में राइट वेंट्रिकल रहता है. ओके, वो पल्मोनरी आर्टरी के साथ जुड़े हुए रहते हैं. ओके, वहाँ अकड़ जाते हैं. ओके, सो राइट वेंट्रिकल में जा करके आपको हार्ट और लंग्स के बीच वाले रास्ते में पल्मोनरी आर्टरी में पकड़ा जाता है. ओके, सो एकदम सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा. ओके, आदमी को ऑक्सीजनेशन नहीं होगा. सो तड़पाएगा मरीज और उसको दम चढ़ जाता है. ओके, विद इन सेकंड्स सम पीपल डाई, मर जाते हैं लोग. इसीलिए मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं इसको. एक दूसरी है सब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो जो क्लॉट्स जो है मॉडरेट साइज की रहती है. ओके, जाती है लेकिन पूरा बंद नहीं करती. ओके, तीसरा है बहुत छोटे से छोटे माइक्रो एम्बोलिज्म, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो थ्रोम्बस से निकल करके आपके फेफड़ों में चले जाए. ओके, उस समय क्या होता है, फेफड़ों में टेम्पररीली पेन रहता है लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं. बट बाद में जाके वो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बन जाता है. सो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज है जो कि माइक्रो एम्बोलाइजेशन के कारण होता है. सिंपल शब्द में मैं आपको बताऊं, एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है. हर एक पार्ट का एक्सरसाइज कराते रहना है. जितना ज़्यादा एक सिंपल सी चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को हर रोज़ बताता हूँ, आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत फैला हुआ है और उनको यही बताता हूँ कि पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए. जितना पानी गति में रहेगा वो स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा और कोई उससे बीमारी नहीं आएंगी. जो डेंगू और मलेरिया आती है वो सिर्फ रुके पानी के कारण आती है. वैसे ही आपके बॉडी का जो तरल पदार्थ है, खून है, वो हर समय चलते रहना चाहिए. उसको चलाने के लिए ही आपका हार्ट है. जब सर्कुलेशन नहीं होगा, स्टेसिस होगी, तो उससे थ्रोम्बस बनता है और उससे ही फिर वो माइक्रो एम्बोलिज्म, मैक्रो एम्बोलिज्म होता है, जिससे कि डेथ तक होती है. कितना कॉमन है साहब ये पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और क्या इससे मौत कितनी होती है? अभी ऐसा है, अपना देश में, दूसरे देशों में तीसरी वजह हो रही है. पहले वजह हार्ट अटैक्स, सेकंड वजह स्ट्रोक्स, तीसरा वजह
पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओप्स, आई ये एक मेरे लिए न्यूज़ है मुझे, क्योंकि मैं फोकस करता हूँ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में, तो उसके नंबर जो फर्स्ट और सेकंड जो डेथ के कारण है वो हार्ट अटैक बोलते हैं और पैरालिसिस बोल रहे हैं, और थर्ड कॉज ऑफ डेथ जो पूरे वर्ल्ड में है वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि आपको और मेरे को जाननी चाहिए, एंड मी एज अ डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि डॉक्टर के समाज में भी इस बीमारी के बारे में काफी लेस नॉलेज है, कम डिस्कशन है, जानकारी कम होती है। ऐसा है व्हेन डेविड ब्लूम जब वॉर के बारे में रिपोर्ट करने के लिए इराक गया था, ओके, उनको एक टैंक में बिठाया गया, इतना कम जगह था वो, उसको क्राउचिंग करना पड़ा, ओके, मोड़ के बैठना पड़ा, घंटों तक बैठे रहे, ओके, उसको धीरे धीरे चेस्ट पेन आया, उसको मशीन से बाहर ले आया, he immediately dead. Oops. He died immediately because pulmonary embolism हो गया था उसको। हाँ। So उसके बाद अमेरिका में उनकी वाइफ इंक्वायरी करे थे, कितने लोगों को अमेरिका में जानकारी है इस बीमारी के बारे में। इंक्वायरी में ये पता चला 70% लोगों को मालूम नहीं। That's पढ़े लिखे कंट्री में ऐसी हालत है। आज ये प्रोग्राम हम आपके सामने लाए हैं उसका मेन कारण यही है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। एक अमेरिका जैसे विकसित देश में 70% लोगों को डीबीटी जैसी बीमारी के बारे में नहीं पता है, और मिस्टर ब्लूम जो कि इराक वॉर में उनकी डेथ हुई उसका कारण था डीबीटी। आपके लिए मैं इस प्रोग्राम को लेकर के आया हूँ जिससे कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ओपनली डिस्कस कर सकें और अपने आप को बचा सकें, क्योंकि कभी कभी बचाव ही एक अच्छा रास्ता होता है, और ट्रीटमेंट शायद कठिन हो और शायद अवेलेबल भी ना हो, जैसे हम डॉक्टर मिस्टर डेविड ब्लूम के बारे में बात कर रहे हैं। एंड मानी जानी हमारे खेल जगत के मानी जानी हस्ती रही है सेरेना विलियम्स, उनको भी कुछ ऐसी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनको हम लोग सोचते हैं जो अच्छा खेलेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, मसल्स बढ़ाएंगे, उन लोगों में ये बीमारी नहीं आता है करके सोचते हैं, लेकिन वो सच नहीं था। जितने भी करें कुछ वजह से कुछ लोगों में ये डीबीटी आ सकती है, काफी उसके कंजेनिटल रीजंस भी रहते हैं, हेरिडिटरी रीजंस भी रहते हैं जिससे बीमारी होती है। हाइपरकोएगुलेबिलिटी कंडीशन के लिए एक एक्वायर्ड है, एक कंजेनिटल है, जैसे आपने बताया कंजेनिटल, उसमें क्या है एंटी थ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और फैक्टर 2 जीन एबनॉर्मलिटी, ऐसा कुछ चीज ऐसे हैं, बहुत सारे हैं जिनकी वजह से खून गाढ़ा बन जाता है। ओके, जो खून गाढ़ा है मकसद छोटी छोटी चीजों में क्लॉट हो जाता है। ओके, जरा किसी को हिस्ट्रेक्ट में ऑपरेशन हुआ समझो, या किसी को हेरनिया ऑपरेशन हुआ समझो, छोटे मोटे रीजंस की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हो गया समझो, वैसे लोगों में खून गाढ़ा होकर फटाक से बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो खून के जमने के प्राइमरली दो कारण है हाइपरकोएगुलेबल स्टेज के, एक तो प्राइमरी और एक्वायर्ड और एक हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब कि वो आपकी बॉडी की बनावट के हिसाब से है, उसमें कोई भी चीज़ का बाहरी तरफ से कोई कारण नहीं होता है, आपकी बॉडी में कमी है, एक प्रोटीन सी प्रोटीन एस डेफिशिएंसी है, ऐसा है एक एप्ला सिंड्रोम के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, जो कि कभी कभी सिर्फ प्रेगनेंसी के समय पता लगते हैं। और एक प्रेगनेंसी जो एक ऐसी अपने आप में अवस्था है कि जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेज होती है, तो जो खून जम सकता है, इसीलिए बहुत बार कुछ कुछ पेशेंट्स को अच्छी नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद सडनली डेथ हो जाती है, ये आपको जानना ज़रूरी है। हम और हमारा डॉक्टर समाज जो है वो आपकी सेवा के लिए बने हुए हैं, हम लोग कोशिश हर एक क्षण यही करते हैं कि आपका मरीज़ या हमारा मरीज़ उसको हम अपने परिवार की तरह ध्यान दे सकें, लेकिन काफ़ी चीज़ों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से ढूंढ सकते हैं। मैं डॉक्टर रहा हूँ लास्ट 20 ईयर्स से, और मैंने एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट सुना हुआ है कि आजकल लोग अननेसेसरी टेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। 20 ईयर्स के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जितनी भी मौतें हुई हैं वो अननेसेसरी टेस्ट की बजाय कम टेस्ट करने के कारण हुई हैं। डॉक्टर एक जादूगर नहीं है, वो आपके शरीर की बीमारी को टेस्ट से ही पता कर सकता है और उसको उसी से बीमारी पता लग सकती है। हाइपरकोएगुलेबल स्टेज जो होती है वो कभी कभी थायराइड में होती है, प्रोटीन सी प्रोटीन एस या एप्ला सिंड्रोम, बहुत सी ऐसी डिजीज हैं, इन सबको ढूंढने के लिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने डॉक्टर पर डाउट है कुछ भी रीज़न करके कि आपको लगता है कुछ कमर्शियल टच है, मूव ऑन, दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, बट अपने आप को बीमारी से दूर रखिए
और आपको बीमारी से दूर रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी, जरूरी है। तो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप का डीवीटी मैनेजमेंट में कितना हाथ है? बिल्कुल ऐसा है, पेशेंट्स के बारे में रिस्क असेसमेंट के लिए रिस्क असेसमेंट मॉड्यूल करके हैं, उसको बोलते हैं RAM, रिस्क असेसमेंट मॉड्यूल। इस रिस्क असेसमेंट मॉड्यूल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इमोबिलिटी है, जैसे ओबेसिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, कोई किसी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ DVT है, रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, प्लेटलेट्स ज़्यादा है, ऐसा हर चीज़ को एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर सब जोड़ के फाइनल स्कोर बनता है। ये स्कोर ज़्यादा है उन लोगों में आपको स्पेशल टेस्ट करना है या पता करने के लिए या कलर डॉपलर करना है, ये सब चीज़ करना पड़ता है। इसको वेल स्कोर बोलते हैं, फडवा स्कोर बोलते हैं, जेनेवा स्कोर बोलते हैं, कैप्रिनी स्कोर बोलते हैं। सो ये स्कोर से हमें मालूम हो जाता है कितना तक इन्वेस्टिगेशन है, ज़्यादा किसी भी इन्वेस्टिगेशन कितना करना है, यस, कितना दवाई लेना है, जरूरी है या नहीं, ये सब मालूम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, जरूरी है, प्रॉपर राय लेना जरूरी है। गूगल पे बैठ करके शायद पूरा काम खुद नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन किया था वो एक्वायर्ड कॉजेज के बारे में नहीं था, वो हेरिडिटी कॉजेज के बारे में था। एक्वायर्ड कॉजेज कि जो हम लोग खुद बीमारी को बाहर से लाते हैं अपने शरीर के अंदर, वो क्या क्या कारण होते हैं? एक है सेप्सिस। सेप्सिस चंडीगढ़ में वशिष्ठ वगैरह लोगों ने काफ़ी ऑटोप्सिस करे हैं, 1000 लोगों में ऑटोप्सिस करके ये पता कर लिया है 15% लोगों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द काज ऑफ डेथ इन द हॉस्पिटल, चंडीगढ़ हॉस्पिटल में। ओके। और उसमें से ज़्यादा सेप्सिस की वजह से हुआ। ओके। सो इसका मतलब है अपना देश में DVT के लिए अंतर्भागों में सेप्सिस इज बहुत कॉमन कारण है। ओके ओके। बट दैट इज वो तो हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद है। दूसरी बात है सर, कैसे किसी ने फ्रैक्चर्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, बड़े बड़े कैंसर्स के इलाजे, कीमोथेरेपीज एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड डिफिकल्ट प्रेगनेंसीज, डिफिकल्ट डिलीवरीज, एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल प्रेगनेंसीज, क्लोमिफेन वगैरह दवाई दे के प्रेगनेंसी बनता है, हार्मोन थेरेपीज, उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अच्छा सर, ये स्मोकिंग अल्कोहल का कितना योगदान है? उनका भी कुछ परसेंटेज है, लेकिन वो नंबर जो दिया है इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड पेशेंट, अदर फैक्टर्स। सो स्मोकिंग खराबी है, स्मोकिंग शुड नॉट बी डन बिकॉज इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस गाढ़ा होके थ्रोम्बोस बनने के चांस को गाढ़ा करने में काफी हेल्प करता है, हो जाता है उसकी वजह से। और डायबिटीज, कुछ लोग कहते हैं डायबिटीज कितना काम की है, डायबिटीज लोगों में साइड इफेक्ट्स की वजह से, जैसे सेलुलाइटिस हो गया, पैर में डायबिटिक फुट हो गया, सूजन हो गया है, लालपन हो गया है, जलता है, पस आ गया है, उन लोगों में DVT होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, 4% ज्यादा है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मनी बिगेट्स मनी, एक पैसा पैसों को खींचता है, वैसे ही डिजीज बिगेट्स डिजीज, एक बीमारी दूसरी बीमारी को अपनी तरफ लाती है। जहां डायबिटीज से आपको गैंग्रीन फुट हुआ या सेलुलाइटिस हुआ, उससे DVT के चांस बढ़ जाते हैं, खून का जमने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, बीमारी से दूर रहना है। अभी हमने डॉक्टर साहब से पता किया कि DVT का क्या क्या कारण होते हैं, अब हम पूछेंगे उसके मेन लक्षण क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स। अच्छा सही पूछा आपने, काफी DVTs मिस हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहता। आप कह रहे हैं कि DVT बिना साइलेंट भी हो सकता है, साइलेंटली भी हो सकता है, साइलेंटली भी हो सकता है। उसका प्रेजेंटेशन यही हो सकता है, स्ट्रेट अवे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, प्रेजेंटेशन इटसेल्फ सीवियर फॉर्म, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव पैर में सूजन, पैरों में सूजन आ गई, सूजन आ गया है, भारीपन हो जाता है, चलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, गर्मी हो जाता है, हाथ रखे तो उसके पैर के ऊपर गर्मी महसूस होता है, और रेस्टलेस भी हो जाता है, इस इज वेरी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, पहले नीचे स्वेलिंग पैरों से शुरू ही, वो धीमे धीमे ऊपर ऊपर आ जाता है, बढ़ने चली गई। ओके, सो ये जनरली ये इतना तक कहे जाते हैं। ओके, सो इनका मेन ट्रीटमेंट के बारे में कुछ आप बताएंगे साहब, मेन, क्योंकि इसको बीमारी को पकड़ने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, कलर डॉपलर करना है, कलर डॉपलर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कभी कभी CT स्कैनिंग भी करना पड़ता है,
कुछ लोगों में MRI भी करते हैं, बट पहले चीज जो है कलर डॉपलर, कलर डॉपलर हर जगह में मौजूद है, आई थिंक उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुई वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, गम लगा के चेक करते हैं, 15-20 मिनट के अंदर पता चल जाता है हाई या नहीं। ओके ओके, बिसाइड्स दिस ब्लड टेस्ट, थायराइड एक ऐसी स्टेज है, पॉलीसाइथीमिया वगैरह इसके बारे में, हीमोग्राम करना, हीमोग्राम पूरा करेंगे, और कभी कभी लिवर डिसऑर्डर्स में उन लोगों में चेक करना पड़ता है, दे आर सेकेंडरी टेस्टिंग, यस, प्राइमरी टेस्टिंग इज कलर डॉपलर, कलर डॉपलर इज द मेन थिंग, और उसका सो दैट इज अ रीजन टू डिसाइड वेदर पेशेंट हैज अ डीवीटी और नॉट। अगर डीवीटी है तो फिर ट्रीटमेंट क्या बनता है? ट्रीटमेंट आजकल काफी बदला चुका है, शुरू शुरू में इंजेक्शन देना बहुत जरूरी समझते थे, पहले इनिशियल फेज बोलते थे, उसके बाद मेंटेनेंस फेज बोलते थे। इनिशियल फेज हफ्ता दो हफ्ता रहता है, मेंटेनेंस फेज 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल जिंदगी भर। सो ये इनिशियल फेज में हेपरिन इंजेक्शन दिया जाता है, 3 टाइप के हेपरिन है, एक अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, लेटेस्ट है 5-pentasaccharide बोलते हैं उसको, फोंडापेरनेक्स है। ये इंजेक्शंस 5 से 12 दिन या 14 डेज देना पड़ता है, उसके बाद मेंटेनेंस फेज में टैबलेट देते हैं, वो वारफेरिन इज द कॉमनेस्ट, वारफेरिन एसीट्राम, और नए नए चीज़ भी आए हैं आजकल, नोएक्स या डोएक्स बोलते हैं उनको, उससे मेंटेनेंस अच्छा इजी हो जाता है। ये वारफेरिन एक बहुत कॉमन सी मेडिसिन है जो हमारे काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी सालों तक, शायद जिंदगी भर तक चलती है, इस टैबलेट के बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि हमारे ये दर्शकों को उसके बारे में जानना चाहिए। ये टैबलेट काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं, स्ट्रोक में यूज़ करते हैं, हार्ट अटैक्स में यूज़ करते हैं, कहीं DVT में यूज़ करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं, ऐसा कई सारे वजह है इसकी यूज़ करने का। ये टैबलेट जब खाते हैं इसका इफेक्ट 3 से 4 दिन के बाद आ जाती है, उसी तरफ उसको बंद करने के बाद 3-4 दिन तक काम करती रहती है, इसीलिए बीच में ऑपरेशन वगैरह करना नहीं चाहिए। सो ये टैबलेट जब खाते हैं, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, दवाई दवाई के बीच में फाइटिंग होता है, अच्छा, शरीर में, सो इसीलिए इसको ध्यान से लेना पड़ेगा, दूसरी दवाई इनको इसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा डॉक्टर से पूछ के तभी लेना है। तीसरा है डाइट इंट्रैक्शन, ड्रग एंड डाइट इंट्रैक्शन, जैसा ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ग्रेप सीड्स, पेपर्स वगैरह नहीं लेनी है, मसालास के साथ जो खाते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, ये दवाई को इंटरफेयर करेंगे। ओके, सो शराब पीने वाले को भी याद रखना चाहिए, ये इफेक्ट बदल जाता है शराब के। अच्छा, ओके, आई थिंक वो एंजाइम रिएक्शन के कारण, सिपल के कारण, क्या वो सिप क्रोम साइटोक्रोम P450 कैस्केड एंजाइम कैस्केड में, जैसे कि किसी ने टीबी ड्रग्स ले रहे, किसी ने एपिलेप्सी ड्रग्स ले रहे, ऐसा ड्रग्स के ड्रग्स रिएक्शन के कारण ये हो जाता है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है सर? प्राइमरी प्रिवेंशन तब कहा जाता है जब आदमी को DVT पहले नहीं होता था, अब होने के चांसेस एक चक्कर है, जैसे आप कह रहे थे इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसको पहले कभी DVT नहीं हुआ था, उस आदमी को कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, या किसी को ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा ऑपरेशन था वो लंबी ऑपरेशन है, उन लोगों में ये प्राइमरी प्रोफ्लेक्स कहा जाता है। एक आदमी को ऑलरेडी DVT आ चुका है, प्राइमरी फेज हो गया है ट्रीटमेंट, सेकेंडरी फेज में चले जाते हैं, ऑलरेडी टैबलेट खा रहा है, उसके बाद आगे दिनों में नहीं आना है उसको सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। सो 6 महीने के बाद जो दवाई दिया जाता है उसको सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस बोल देते हैं। ओके, DVT से कैसे बचा जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। वन, पहले सबसे पहले जानकारी होना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहते हैं, आदमी को पहले जानकारी हो जाए, अपने आप ढूंढ लेता है उसको कैसे प्रिवेंट करना है। एक तो है खाने पीने का ध्यान देना है, बैड हैबिट शुड बी कंट्रोल, वेट, जैसे आप कहते हैं हमेशा, वेट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट्स, फिजिकल एबिलिटीज शुड बी स्ट्रेंथेंड, सो सेडेंटरी लाइफ को छोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्टिविटी हमेशा रखना चाहिए। तीसरी बात यह है स्टॉकिंग्स पहनना है, ये कंप्रेशन बैंड, जिस आदमी को रिस्क ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला RAM रिस्क असेसमेंट मॉड्यूल्स है, उसी के मुताबिक आपको रिस्क ज़्यादा है तो बैंडेजेस पहनना पड़ेगा, या सॉक्स, एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स करके मिलते हैं, रहते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जनरली क्लास 1 स्टॉकिंग्स आर सफिशिएंट,
जिसमें 18 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर प्रेशर रहता है, मर्करी प्रेशर पकड़ के रखता है ताकि स्टेसिस नहीं रहता. सो आखिरी चीज है मेडिसिन, इंजेक्शन या टैबलेट्स. किसी किसी में जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है या फैमिली हिस्ट्री है या पिछली दफा कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था किसी वजह से, उन लोगों में टैबलेट्स वगैरह इंजेक्शन देते हैं. ये इंजेक्शन के बोलते हैं लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन बोलते हैं, टैबलेट्स है डोएक्स और नोएक्स बोलते हैं. सो ये चीज लेने से आपको 60-65% प्रोटेक्शन मिल जाता है. ओके, सो इन सब ट्रीटमेंट में साहब ये अगर हम लोग को लगे कि ये चीज हमको पॉसिबिलिटी है डीवीटी होने का, तो डॉक्टर से डिस्कस करके उसके लिए प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, बहुत ये हमको जानना चाहिए. हमेशा ये सही रहता है डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लिया तो, जैसा आपका फैमिली में किसी को ऐसा चीज हुआ था तो पूछने में कोई गलती नहीं. डॉक्टर विल असेस कितना रिस्क है आपको, क्या क्या चीज से आपको बेहतर रहेगा. ऑपरेशन करने से पहले देना चाहिए, ऑपरेशन करने के बाद देना चाहिए, या कुछ ट्रीटमेंट के आगे पीछे देना चाहिए. सो सबसे बेहतर यह है जो डाउट आपको है, आपका फैमिली हिस्ट्री है तो डिस्कस करने में अच्छा रहता है. क्या ये फैमिली में चलती है, अगर आपके माँ बाप को हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ना, इसीलिए कह रहा हूँ कंजेनेटल कॉजेस करके पॉसिबिलिटीज ज्यादा है. पॉसिबिलिटीज है. आज हमने डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज प्राप्त करी है डॉक्टर पिंजाला रामकृष्ण सर से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट सर जी. आप टाइम निकाल करके हमारे लिए स्टूडियो तक आए. डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंटेबल, कुछ प्रिवेंट किया जा सकता है, और उस प्रिवेंट करने के लिए ही हम लोगों ने ये अवेयरनेस ड्राइव शुरू करी गई है. सो कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम. रिमेंबर डीप वेन थ्रोम्बोसिस स्टार्ट्स विद डी इज फॉर डिहाइड्रेशन. सो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, और ड्रग्स और डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है. वी इज फॉर वीनस्टेसिस. वीनस्टेसिस के लिए आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करती रहनी है. और टी इज फॉर ट्रीटमेंट. प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन को दिमाग में रखना, याद रखना है. हम दोबारा आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी समय इसी चैनल पर, एक आपको और आपकी फैमिली को फिट रखने के लिए. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी ऑलवेज. नमस्कार. नमस्कार.